Assalamualaikum guys, hope you all are fine and shine. अध्य अदब के शो में आप सबको वेलकम करते हैं और आज का शो थोड़ा मुख्तलिफ है. मुख्तलिफ इसलिए है, आज हमने अध्य अदब के प्लेटफॉर्म से अपने शो में कसौटी प्रोग्राम अरेंज किया है. चलिए आइए और हमारे मेहमान इक्तदार आरिफ साहब से मुलाकात करते हैं. नाजरीन, आज हमने ये शख्सियत बूझनी है. नाजरीन, जैसा कि मैंने क्लू में सलाम मियां, आप ही बोलते रहेंगे या मुझसे भी कुछ पूछेंगे? सॉरी जी, मेहमान की तरफ कैमरा कीजिए. अच्छा मेरे भाई, आप ये बताएंगे कि ये कोई मुर्दार शख्सियत है आपकी तरफ? जी हैं, मुर्दार शख्सियत. क्या मतलब, मैं क्या मुर्दार शख्सियत नजर आ रहा हूँ आपको? नहीं, असल में मेरा मतलब ये था, क्या इनकी डेथ हो चुकी है? जी ये तो इंतकाल फरमा चुके हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. अच्छा, तो ये आपके पड़ोसी भी थे? अरे जनाब, आप मेरे पीछे क्यों लगे? आप शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करिए ना. अच्छा, तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि इनकी मैयत में आप शरीक थे? अरे जनाब, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब ये इंतकाल कर गए थे. अच्छा, यानी आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था? अरे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मेरा ताल्लुक कैसा, मैं कह रहा हूँ आपसे जब से यही बात. अच्छा, ये कोई जरिया तो नहीं था आपकी तरफ? अरे सर, आप किस लहजे में बात करना शुरू हो गए? हद अदब हमारे प्रोग्राम का नाम है. मैं आपसे शख्सियत के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे पीछे लग गए. अच्छा, ये बताइए कि ये कोई सियासतदान? नहीं, तो सियासतदान तो नहीं थे वो. अच्छा, तो कोई एक्टर थे? जी एक्टर थे वो. अच्छा, ये कभी आपके साथ पागलखाने में तो नहीं रहे? मैं बड़े ही हद अदब में कह रहा हूँ कि आप मेरे पीछे क्यों लग गए? कसौटी करने आए आप, मेरे पीछे लगे हुए आप. अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अच्छा खैर, ये बताइए कि ये कोई कॉमेडियन थे? जी. अच्छा, ये बताना पसंद फरमाएंगे आपके इनकी एक फिल्म इंसान और गधा भी आई थी? जी बिल्कुल. अच्छा, इंसान और गधा भी आई थी, तो आपने रंगीले को पूछा, फिल्म स्टार रंगीले. करेक्ट. उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा. आज हमने सोचा कि क्यों ना हमारे मुल्क के जो सरमाया आर्टिस्ट गुजरे हैं और जो हयात हैं उनको हाईलाइट किया जाए. जो कि रंगीला साहब को आज हमने याद किया, बहुत ही अच्छे फनकार थे. मुझे तो ज़्यादा याद नहीं क्योंकि मैं छोटा था जब उनका एक हाइप था माशाल्लाह पूरे मुल्क में. और आने वाले भी जो भी फनकार हैं उनको भी हम याद करेंगे इस कसौटी प्रोग्राम की निस्बत से. और इफ्तिखार आरिफ साहब का भी जिक्र आया, मुझे नहीं पता था ये कौन है, तो अभी अली भाई ने बताया कि भाई बहुत बड़ा हमारे मुल्क का असासा है. जैसे हम यंग जनरेशन है, हमें पता होना चाहिए हमारे मुल्क के असासे कितने ज़बरदस्त काम कर चुके हैं हमारे लिए. थैंक यू.